सर ये मैं जान सकता हूँ चेकिंग किस चीज की हो रही है? नहीं नहीं जान सकता, आया बड़ा। सर हमारा अधिकार है, हम आम जनता है, अब बताइए चेकिंग किस चीज की हो रही है? अबे ओ ज्यादा ना ज्ञानबाजी मत कर, चुपचाप यहाँ बैठा रहे वरना उठा के अंदर कर दूंगा। सर मैं तो बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ चेकिंग किस चीज की हो रही है। तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, तू चल हमारी मैडम के पास, वही बताएंगी तुझे। चलो चल आजा। हो गई बस की चेकिंग? जी मैडम। मैम मैं जान सकता हूँ चेकिंग किस चीज की हो रही है? ये कौन है नमूना? मैम क्या बताऊँ, लगता है ये शहर से नई नई पढ़ाई करके आया है, हमारे सामने बहुत ज्ञानबाजी कर रहा है। देख बस में बैठे लोगों को ना कोई दिक्कत नहीं है, तुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे एक काम कर आराम से बस में बैठ जा। मैम अंदर कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, बहुत गर्मी है अंदर, और आपने घंटों से बस को रुकवा रखा है, उनको परेशानी हो रही है, बता सकते हैं चेकिंग किस चीज की हो रही है? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। देखा मैम मैंने कहा था ना इसकी जुबान बहुत चलती है, लगता है इसको आपकी पावर दिखानी पड़ेगी। हमारी मर्जी, जिसे चाहे रोके और उसकी चेकिंग करे। तो शहर में नया नया कबूतर आया ना, इसलिए तेरे को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना जाके अंदर बस में बैठ, मुझे बहुत काम है। आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और इस तरीके से बात कर रही है, अच्छी बात है, यही तमीज है आप में। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू होता कौन है तमीज सिखाने वाला? मैडम आपने बस को बहुत देर से रुका रखा है और बस के तो कागज पूरे हैं, प्लीज जाने दीजिए ना। हाँ हाँ जाने दूंगी, एक मिनट। ये 5,000 का चलान है, इसे भर के जाइयो। क्या कहा आपने 5,000 का चालान? लेकिन अगर इसके कागज पूरे हैं तो चालान किस चीज का, मैं जान सकता हूँ? हमारी मर्जी के। मुझे तो आप लोगों पे डाउट हो रहा है, आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि किस चीज की चेकिंग हो रही है, और ये आपकी यूनिफॉर्म का है? मुझे जानता है मैं कौन हूँ, तुझे चुटकियों में ना अंदर करवा सकती हूँ, और इतने डंडे पड़वाऊंगी, इतने डंडे कि जिंदगी भर याद करेगा, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, आई बात समझ में? और ये चालान ना हमारी मर्जी से कट रहा है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं हमें। और तुझे पता है मैडम जी के पापा ना इस शहर के विधायक है, तुझे चुटकियों में जेल में डाल देंगे, कोई तुझे पूछेगा भी नहीं, और पूरा पुलिस फोर्स मैडम के कंट्रोल में है, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा चुपचाप चला जाए यहाँ से, क्योंकि विधायक जी के पास तो बहुत पैसा है, तुझे देख के लगता नहीं है कि तेरे पास एक भी पैसा होगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, तो इसको जेल में डाल, इसको तो मैं दिखाती हूँ मेरी पावर, लेके जा। ठीक है मैडम। एक मिनट, तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो लेकिन किस जुर्म में, जान सकता हूँ? मेरे सामने ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, और तू खड़ा क्या, लेके जा। चल। क्या हो रहा है ये? दिखाई नहीं दे रहा, जेल में ले जा रहा हूँ इसे। आपको पता भी कौन है ये? कौन है ये? ये यहाँ के नए एसपी हैं। एसपी? सॉरी सर मुझे नहीं पता था कि आप एसपी हैं, और पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों को लूटने का अधिकार किसने दिया है? आप आम जनता को लूट रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कैसा नहीं है? झूठ बोल रहे हैं सबके सब, मैं डेली इसी बस से कॉलेज जाती हूँ, इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये लोगों से पैसे ऐंठते हैं। और सर ये लोग सबके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, और वो मैडम भी कुछ नहीं बोलती किसी को। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों क्या बोल रहे हो, अपना मुंह बंद रखो। ये लोग सच बोल रहे हैं, जैसी आप लोगों की हरकत है यही बता रहे हैं ये लोग। और तुम, मैं शर्म नहीं आती, पुलिस फोर्स के नाम पे तुम लोग कलंक हो, तुम जैसे इक्के दुक्के ऑफिसर की वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। पता है बाकी लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने ईमानदार होते हैं, बस तुम जैसे कुछ ऑफिसर्स की वजह से सबको लगता है कि सब बेईमान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस तरीके से गरीब लोगों के पैसे खाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है तुम लोगों ने, सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। अगर तुम्हें अभी पता नहीं चलता कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो तुम लोग तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते, जेल में डाल देते झूठे केस में। बहुत लोगों को जेल में डाला है ना जो तुम्हारे सामने बोलते हैं, बताओ चुप क्यों? चलो अपने विधायक पापा को फ़ोन लगाओ। मैंने कहा ना अपने विधायक पापा को फ़ोन लगाओ। हाँ सर नमस्ते, आपकी बेटी मेरे ही सामने है, और मैं इस शहर का नया एसपी, आपकी बेटी को डिसमिस कर दिया गया है, और आप पे भी अब कार्रवाई होगी क्योंकि आपकी बेटी आपकी वजह से बिगड़ी है, तो तैयार हो जाइए कानूनी कार्रवाई के लिए। सॉरी सर हम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तुमने कोई छोटी गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी ना कि माफ़ी। ये मत सोचना कि तुम्हारे पापा विधायक है तो तुम्हें जेल नहीं होगी, तुम्हें और तुम्हें जेल होगी, और उन सभी को जेल होगी जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, भले तुम्हारे पास पैसा कितना हो, लेकिन एक ना एक दिन बुरे कर्मों की सजा मिलती है, और तुम्हारे पापा का घड़ा भर गया है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। तुम दोनों ये सोच रहे हो ना कि मैं बस में क्या कर रहा था, वो तो मेरी कार खराब हो गई थी जिस वजह से मुझे बस में आना पड़ा, और अगर मैं बस में नहीं आता तो तुम दोनों की काली करतूतें मुझे दिख नहीं पाती। अच्छा हुआ कि मैं बस में आया और तुम दोनों को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम जैसे करप्ट ऑफिसर की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। सॉरी सर प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने एक बार कह दिया ना। चलो महिला कांस्टेबल को बुलाओ, इन दोनों को ले जाओ, चलो निकलो मेरे सामने से।
आप अपनी बस ले जा सकते हैं, ले जाइए। आप सभी ने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग की कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उन तक ये मैसेज पहुँचाइए। और इस वीडियो को मतलब शेयर तो करना ही है, साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं एक मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।